बिहार विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। वहीं चनपटिया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कश्यप ने इस बार एक अनोखे ढंग से अपना शपथ पत्र तैयार किया है। निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कश्यप ने अपना शपथ पत्र बकायदा कोर्ट से एफिडेविट कराकर तैयार किया है और जनता के सामने पेश किया है। चनपटिया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कश्यप का कहना है कि लोग चंद किताबों में छपवाकर अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं, लेकिन उन घोषणा पत्र पर काम नहीं होता है। मैंने शपथ पत्र एफिडेविट करवाया है। मैंने जनता से वादा किया है कि अगर मैं विधायक बनकर आता हूँ और अगर मैं अपने घोषणा पत्र में दिए गए काम को पूरा नहीं करता हूँ तो लोग मुझ पर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने शपथ पत्र कोर्ट से एफिडेविट कराकर जनता के सामने रखा है। चनपटिया विधानसभा में द्वितीय चरण में मतदान होना है। यहाँ पर एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी और दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। वहीं इन दोनों के बीच निर्दलीय उम्मीदवार मनीष कश्यप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।